दोस्तों, क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या है ये मेडिकल ऑक्सीजन और वो नॉर्मल ऑक्सीजन से कैसे अलग है? अभी कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, अस्पतालों में बेड और दवाइयां तो दूर, मरीजों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। हालात बेहद से बेहद बदतर होते जा रहे हैं। अभी मेडिकल ऑक्सीजन एक आवश्यक दवाई है, जो 2015 में WHO ने आवश्यक दवाइयों की सूची में इसको शामिल किया था। एक्चुअली दोस्तों, मेडिकल ऑक्सीजन 98% प्योर ऑक्सीजन होती है, जिसमें अदर गैसेस, मॉइस्चर, डस्ट ऐसी कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती। अभी एटमॉस्फेरिक एयर में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन एंड 1% अदर गैसेस होती है, लाइक हाइड्रोजन, नियॉन, ज़ेनॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ऑक्सीजन प्लांट में एयर सेपरेशन टेक्निक से नॉर्मल हवा में से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इसमें हवा को पहले कंप्रेस किया जाता है और फिर फिल्टर की मदद से इसमें से सारी इंप्योरिटीज निकाल दी जाती है। अब ये फिल्टर हवा को ठंडी करने के बाद डिस्टिलेशन की प्रक्रिया की जाती है, जिससे ऑक्सीजन को बाकी गैसेस के मिक्सचर में से इजीली अलग किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया के दौरान हवा में रहे ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है। तो बस ये स्टोर किए जाने वाले ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन बोलते हैं, जो 99.5% प्योर होती है। तैयार किए जाने वाले मेडिकल ऑक्सीजन को बड़े बड़े टैंकर में स्टोर किया जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन को कैप्सूल शेप में बेहद ठंडे रहने वाले क्रायोजेनिक टैंकर में भरकर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और आखिर में अस्पताल में पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।